सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जब परिवार के लोग खराब लगने लगे और पराए अपने लगने लगे तो समझ लीजिए तबाही का समय शुरू हो चुका है। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। आज का पंचांग 8 फरवरी 2024 दिन गुरुवार, मांग मास का कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि, सुबह 11:17 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 10:04 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 8 फरवरी 2024 दिन गुरुवार, आज उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मेल करके समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्ष्यों का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। भविष्य के जटिलताओं से बचने के लिए अपनी आश्रितों की अच्छी देखभाल करें। कार्य आपसे अधिक मांग कर सकता है किंतु आपके प्रयास सब कुछ सही करेंगे। परिवार और आपके पालतू जानवर आपके लिए चिंता के कारण हो सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। आज अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से मिलने का अच्छा समय है क्योंकि आज आप अच्छे मूड में हैं। आप जीवन की चिंताओं को छोड़कर आनंद और खुशी के साथ हर पल को जीना चाहते हैं। इन पलों को खुलकर जिए। याद रखें कि जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया है उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है। कोई ऐसा जिसके साथ आप रहते हैं आपकी लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से चिढ़ सकता है। प्यार में थोड़ी निराशा आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकती। प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकतर थकावट भरी हो सकती है। समय का पहिया बहुत ही तेज चलता है इसीलिए आज से ही अपनी कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीख लें। वर्तमान की जरूरतें पूरी न होने से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। खाना साफ सफाई या कोई और घरेलू चीज इसका कारण हो सकती है। दिन पारिवारिक और आर्थिक दृष्टि से शुभ है। व्यक्तिगत कार्यों में सफलता मिलने से मानसिक शांति मिलेगी। कठिन कार्य आप अपने दृढ़ विश्वास से पूरे करेंगे। जीवन में नई शुरुआत करने के लिए ये समय उपयुक्त है इसीलिए हर छोटी बात पर ध्यान देते हुए सुधार करने की कोशिश करें। लोगों से सुझाव प्राप्त होंगे जिन्हें तुरंत अमल में लाने से कम प्रयत्न में अधिक फायदा मिल सकता है। आपके काम के कारण अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। नए काम की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होगी। रिलेशनशिप में सुधार होगा। पार्टनर के लिए डेडिकेशन बढ़ता नजर आएगा। पेट संबंधी तकलीफ होने की संभावना है। आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यापार या विस्तार होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति मिलेगी। समय अच्छे कार्यों में व्यतीत होगा। संतान से सुख मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान करेगी। परिवार से रिश्तों में कड़वाहट आएगी। न्यायालय के मामलों के लिए समय अच्छा है। धन प्राप्ति होगी। यात्राएं सुखद रहेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त होगी। आप विलासशीलता पूर्ण जीवन का सुख भी भोगेंगे। माता पिता का सहयोग भी मिलेगा। विदेश जाने वाली भी बाधाएं समाप्त होगी। किसी विशेष कार्य के बन जाने से हर्ष मिलेगा। सावधानियां। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। आज भी ग्रह स्थिति कुछ ऐसी ही है इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें तभी सफलता प्राप्त होगी। संपर्क शत्रुओं को मजबूत रखें। बात करते हैं लव लाइफ की।
आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है, जहाँ आपने अपने साथी के साथ प्यार भरा समय बिताया था। यह तो कहा ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही। उन बातों के लिए अपना मन दुखी ना करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसीलिए उन्हें वैसे ही रहने दे जैसे भी हैं। अपने साथी के साथ समय बिताकर नई शुरुआत करें, इससे आपका संबंध मजबूत होगा। कानूनी मामले या मुकदमेबाजी आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकती हैं। रोजाना के परिश्रम भरे दिन से ब्रेक लेकर पालतू जानवरों या बच्चों के साथ समय बिताएं। आपके मित्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपका खुशनुमा रवैया आपको सभी चिंताओं से बाहर निकालकर आनंदित ढंग से जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। आप लोगों की तारीफ करके और उनका ख्याल रखकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। आपका प्रेम आपकी लव लाइफ में अंतरंगता बढ़ाएगा, जिससे आपका प्रेममय जीवन रोमांटिक और आकर्षित बनेगा। बात करते हैं करियर की। अगर आप अपनी नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह समय है उसमें बदलाव करने का, जिससे न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपका विकास भी होगा। अपने सहकर्मियों के साथ भी आपके रिश्ते सुदृढ़ होंगे। इस समय ऋण रोग या अन्य बाधाएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह समय पुराने दोस्तों से मिलने का है। आपका प्रसन्न मूड नए रिश्ते को बनाने और पुराने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मदद करेगा। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर हर पल का मजा लें। प्रियजनों को अपने प्यार का एहसास दिलाना ना भूलें। खुद पर और उन लोगों पर विश्वास रखें जो आपकी मदद करते हैं। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यह समय अपना हुनर रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को दिखाने का है, और हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन यह आपके करियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इस काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो यह आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सकें। आपके करियर में असफलता कदम रख सकती है। आपके द्वारा किए गए काम के परिणाम आपको प्रतिफलित कर सकती हैं और आप अपने प्रयासों की प्रशंसा कर सकती हैं। आज आपको नए अवसरों का सामना करने का मौका मिल सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य के लिए आपको चुना जा सकता है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है। आपके नौकरी के संबंधों में भी आज अच्छा समय हो सकता है। आपके संबंधों में समझौता हो सकता है और आपको अपने साथीदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नए प्रोजेक्ट और कार्य के लिए आपको सजग रहना होगा। किसी भी नए अवसर को ना छोड़ें और अपनी कौशल का प्रयोग करें। आपके प्रयासों की मेहनत और समर्थन से आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। कारोबारी मामलों में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। किसी कर्मचारी की लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए कार्य क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बनेंगे। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, अगर आज आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप धारण कर सकती है। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आज सख्ती से नियमों का पालन करें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।